नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम अजीत और आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का बीएससी पार्ट वन फिजिक्स क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम देखने वाले हैं। इससे पहले जो कल हमने गॉस की थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम जो डिस्कस की थी, उसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। उसके सिग्निफिकेंस रह गए थे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के। तो जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने डिस्कस की थी, उसके जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी हमारी? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के सिग्निफिकेंस क्या क्या थे? तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी क्या? ए डॉट डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंट्रीगल। इसका मेन रीजन क्या था? डबल इंट्रीगल को ट्रिपल इंट्रीगल में कन्वर्ट करना, यानी सरफेस इंट्रीगल को वॉल्यूम इंट्रीगल में और वॉल्यूम इंट्रीगल को सरफेस इंट्रीगल में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही हो गया। फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हो गया? वी कैन कन्वर्ट क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम? We can convert surface integral of vector A over a surface S into volume integral of vector A। ठीक है, तो हम पहला सिग्निफिकेंस क्या था? ये था। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका? दूसरा सिग्निफिकेंस इसका है कि जो फ्लक्स है, इसका जो फ्लक्स है, जो प्रथम सतह से जो पहले सरफेस है, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है हमारा, और जो सेकंड वॉल्यूम के फॉर्म में जो फ्लक्स इसका निकल रहा है, वॉल्यूम वाली सरफेस है उसके फॉर्म में जो फ्लक्स निकल रहा है, वो दोनों क्या है? इक्वल है। यानी कि दोनों से इक्वल फ्लक्स क्रॉस होगा, दोनों से इक्वल फ्लक्स मिलेगा। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ये हो गया। तो दूसरे सिग्निफिकेंस में क्या करेंगे हम? In both condition, as surface integral and volume integral of vector A, there will be equal flux we get। ठीक है, थर्ड सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है? एक ही फ्लक्स को ये निरूपित करते हैं, इक्वल फ्लक्स। ठीक है, इक्वल फ्लक्स हम प्राप्त करते हैं दोनों से। ठीक, और थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा? कि जो भी मतलब इसका ये जो है सरफेस, इट इज इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन सरफेस फ्लक्स एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन मतलब स्थापित करती है किसमें? किसमें? सरफेस इंटीग्रल में और
वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में ऑफ द ऑफ ए वेक्टर के, वेक्टर के। अब हम देख ठीक है, ये सिग्निफिकेंस थे तीन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इस इससे जो एक्सप्रेशन है इसी से लिख सकते हैं इजिली। देखो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में ये कन्वर्ट कर रही है, और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, संबंध दिखा रही है ये सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल में ऑफ ए वेक्टर। तीसरा क्या है, बोथ कंडीशन में फ्लक्स जो होगा वो इक्वल होगा, सिंपल है, दोनों इक्वल हैं तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो भी वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्ल क्या है, कर्ल जो होता है वो क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डायग्राम के मदद से समझेंगे हम कर्ल। जैसे कि ये कोई डायग्राम है, तो इसमें ये क्या है, वाटर है, क्या है ये, वाटर, इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसमें वाटर इधर जा रहा है, तो ये जो वाटर है इसमें, तो वाटर को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इधर इसका वाटर इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसका वाटर इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये कौन सी है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी होगी, जेड एक्सिस। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो कर्ल हमारा आएगा, तो कर्ल क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया एक, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वाटर इधर जा रहा है और जो वाटर इधर जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, द अपोजिट फ्लो, द अपोजिट फ्लो ऑफ वाटर विल रोटेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये वाटर इधर जा रहा है, ये वाटर इधर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, क्या करेगा, अपने बहाव के साथ, अपने फ्लोटिंग के साथ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, और इस रोटेशन को ही क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के रोटेट होने को ही क्या कहते हैं, कर्ल होना, क्या कहते हैं, कर्ल होना। तो आई थिंक कर्ल होना जो है समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं स्टोक्स की कर्ल थ्योरम की। तो स्टोक्स की कर्ल थ्योरम है क्या बेसिकली, इसमें क्या होता है हमारा, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाता है इसके थ्रू, क्या किया जाता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। अब वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट देयर इज ए सरफेस S, हमने क्या मान ली, एक सरफेस मान ली S, ठीक है, बाउंड्री ऑफ दैट सरफेस इक्वल टू कितनी मान ली हमने, C, ये हमने मान ली, तो हमने ये ले ली एक सरफेस ये हमने एक सरफेस ले ली S, ठीक है, S सरफेस, और ये क्या है इसकी बाउंड्री, जो बाउंड्री है वो C है, तो C बाउंड्री हमने ले ली। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो इसमें क्या है, वेक्टर, मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर A is at all over
दी सरफेस। तो वेक्टर ए क्या है, हमने लेट कर लिया, वेक्टर ए जो है इज एट ऑल ओवर दी सरफेस। वेक्टर ए क्या है सर, पूरी सरफेस पर है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए पूरी सरफेस पर क्या है, एसोसिएटेड है। वेक्टर ए एसोसिएटेड है पूरी सरफेस पे। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के साथ क्या करेंगे, हम लेट ए स्मॉल लाइन सेगमेंट एट बाउंड्री सी इज डीएल। हमने क्या किया, एक स्मॉल लाइन सेगमेंट मान लिया बाउंड्री पर सरफेस की, क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे हम सब, क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल करना है, इसके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल करना है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टोक्स की कर्ल थ्योरम हो जाएगी। और कर्ल कैसे होगी वो हम देखेंगे जब डेरिवेशन होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक हमने स्मॉल क्या मान लिया, ये मान लिया हमने डीएल, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन इधर ही होगी। दूसरा हमने क्या मान लिया, दूसरा हमने मान लिया वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर ए, चूंकि ये वेक्टर एसोसिएटेड फील्ड है तो यहाँ के हर पॉइंट पर वेक्टर होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बह रहा हो या फिर इसमें कोई वाटर बह रहा हो, तो वाटर क्या करता है, हर एक फील्ड पर वेक्टर को निरूपित करता है, यानी कि उसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। हवा है, हवा चल रही है, वो भी वेक्टर को निरूपित करती है हर एक पॉइंट पर। तो इसलिए ये वेक्टर आया, ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर कहाँ से आ गया, क्योंकि ये फील्ड ही हमारा कैसा है, वेक्टर एसोसिएटेड फील्ड है। कैसा फील्ड है ये, वेक्टर एसोसिएटेड फील्ड, वेक्टर एसोसिएटेड फील्ड है ये, जिसपे कि हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर मिलेगा, जो कि इसको क्या करेगा, फील्ड को इसका वेक्टराइजेशन करेगा फील्ड का। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो कि हर एक पॉइंट पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी वेक्टर कह सकते हैं हम। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये हमने डीएल एक सेगमेंट ले लिया, सेगमेंट डीएल ले लिया, दूसरा हमने वेक्टर ए ले लिया। हम क्या निकालेंगे, इनका सरफेस लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इसका लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा सी, बाउंड्री कितनी है हमारी सी, तो लिमिट कहां से होगी, पूरी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, लिमिट में ले लेते हैं कि जीरो से स्टार्ट हुई और जाके 50 सेंटीमीटर पर खत्म हुई, वो लिमिट होती है। तो चूंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो सी हमने डायरेक्ट सी को क्या ले लिया, लिमिट में ले लिया। और क्या है हमारा, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएल, ये हमारा आ गया क्या, इसका लाइन इंटीग्रल। चूंकि लाइन कैसी है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल, बिकॉज चूंकि लाइन कैसी है, क्लोज्ड लाइन इज क्लोज्ड, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये आ गया लाइन इंटीग्रल, यानी कि एक तरफ की हमारी साइड आ गई। अब इससे हमें क्या लेके आना है, इसी से हमें लेके आना है सरफेस इंटीग्रल, और इसको इक्वल कर देना है सरफेस इंटीग्रल के, यानी कि डबल इंटीग्रल वाला जो चीज आती है इसमें लेंथ भी दोनों होती हैं। अभी क्या है, लाइन है जिसमें केवल लेंथ है, डीएल डीएल। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वही देखना है, और उसी से हमारा क्या हो जाएगा, बेन स्टोक्स थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने चूंकि एक चीज पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें अगर वाटर एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है, तब क्या होगा। तो वाटर अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लोट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हम निकालेंगे वेक्टर, जैसे कि ये लाइन है, तो लाइन का ये क्या है, लाइन का लाइन वेक्टर कितना है, वेक्टर मान लिया हमने ए, ठीक है। तो ये वेक्टर ए हो गया, और इधर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। और हमने इसकी लेंथ कितनी ले ली, लेंथ हमने ले ली इसकी एल, एल मान लो, ये भी एल है यहाँ से यहाँ तक,
ये भी एल है और ये भी एल है, पूरी चारों तरफ से एल है ये लेंथ। तो यहां पे जब हम निकालेंगे यहां पे इस तरह से, तो दोनों का क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे ए डॉट डी एल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थीटा 90 डिग्री है इस वाली लाइन पे, क्या है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ए डॉट डी एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये हमारे डॉट प्रोडक्ट में किसमें आता है, कॉस में आता है, और कॉस में क्या होता है हमारा, कॉस 0 का 1 होता है, कॉस 90 का कितना हो जाता है 0, तो कॉस 90 की वजह से ये कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे चूंकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी, और ऐसे ही यहाँ पे भी वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइन की डायरेक्शन चेंज है, लाइन की डायरेक्शन ये है और वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो लाइन की डायरेक्शन और वेक्टर की डायरेक्शन चेंज है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का ए डॉट डी एल। और जब हम ऐड करेंगे, मान लो फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को जब हम ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड को जब हम ऐड करेंगे ए डॉट डी एल, इनका इंटीग्रल लेके और माइनस का ए डॉट डी एल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ऐसी स्थिति में दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिकॉज वेक्टर में क्या होता है, कंप्रोमाइजेशन नहीं होता है डायरेक्शन से, वेक्टर कभी डायरेक्शन से कंप्रोमाइज नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ढीठ किस्म का होता है, इसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये तुरंत चिढ़ जाता है और ये माइनस साइन ले लेता है। तो इसने क्या किया, माइनस साइन ले लिया अपने आप पे, कि भाई हमारी डायरेक्शन चेंज कर दी तुमने, ऐसे ही कर दी क्या, हमें माइनस चाहिए, तो इन्होंने माइनस ले लिया, इसलिए दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो बेन स्टोक्स ने क्या किया, सॉरी सॉरी, स्टोक्स ने क्या किया, स्टोक्स ने एक डायग्राम लिया और इस डायग्राम को क्या किया, डिवाइड कर दिया, और इसमें क्या किया, इसमें जो वाटर का फ्लोटेशन था वो इस तरह से किया कि इस वाले पार्ट में ये डाउनवर्ड मान लिया और इस वाले पार्ट में कैसा मान लिया, अपवर्ड। अब जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा वो क्या होगा, रोटेट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कर्ल बनेगा, ठीक। लेट ए क्लोज्ड सरफेस एस विद विच इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स एस वन और एस टू, एस वन एस टू में डिवाइड कर लिया इसको। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका, ये जो है इस पे तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगी वैल्यू हमारी, ये तो परपेंडिकुलर अभी समझाया था, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, जो जो दूसरी सतह बचेगी, यानी कि 0 कहाँ पे होगा, वेक्टर का फॉर्मेशन इधर जा रहा है और हमारा क्या है, लाइन इधर जा रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री बनेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ यहाँ मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक लाइन सेगमेंट मान लिया डी एल, ठीक। और ये क्या मान लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, डी एल एक लाइन सेगमेंट मान लिया, और ये क्या मान लिया हमने, डीएल के साथ में क्या मान लिया, वेक्टर हमने मान लिया ए, तो ये क्या ले लिया हमने, वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, वेक्टर ए ले लिया, लाइन सेगमेंट डीएल ले लिया, वेक्टर ए लाइन सेगमेंट डीएल हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से लेंगे तो, ठीक, और डीएल हमारा ये सेगमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉर एस वन लाइन इंटीग्रल ये कितनी है, बाउंड्री हमारी सी है ही, सी से कितना हो जाएगा, ए डॉट डी एल वन कितना हो जाएगा, ये डी एल वन मान लिया हमने, और इधर कितना मान लिया, डी एल टू मान लिया,
इधर भी ले लेंगे हम वेक्टर ए। तो यहाँ पे क्या है मेन चीज, मेन चीज देखने वाली ये है कि देखो वेक्टर की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर की डायरेक्शन डीएल की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे भी हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, दोनों ही जगह पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऐसे ही फॉर एस टू के लिए जब हम निकालेंगे लाइन इंटीग्रल तो कितना आ जाएगा सी ए डॉट डी एल टू, एस वन एस टू दोनों के लिए लाइन इंटीग्रल आ गया हमारे पास, कितना आ गया दोनों के लिए लाइन इंटीग्रल हमारे पास आ गया ए डॉट डी एल वन और ए डॉट डी एल टू, चूंकि ये वेक्टर है तो दोनों पे वेक्टर लगा देंगे हम, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, अब हमारा क्या टोटल हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे दोनों पार्ट का, टोटल लाइन इंटीग्रल कितना आ जाएगा ए डॉट डी एल वन ए डॉट डी एल इक्वल टू कितना आ जाएगा ए डॉट डी एल वन और कितना आ जाएगा प्लस का ए डॉट डी एल टू, ये आ गया हमारा टोटल लाइन इंटीग्रल, ठीक है। और बाउंड्री कितनी ले ली हमने, ये कितनी थी एस वन था तो सी वन हो गई, ये बाउंड्री सी टू हो गई, तो ये कितना था ए एल वन वाले की सी वन से लिमिट होगी, एल टू वाले की सी टू से लिमिट होगी, क्योंकि सी टू की लिमिट यहां से यहां तक होगी, सी वन की लिमिट यहां से यहां तक होगी, सिंपल है, ठीक। तो ये हमारी आ गई लाइन इंटीग्रल, कितना आ गया टोटल लाइन इंटीग्रल, ये आ गया हमारा दोनों का समेशन, दोनों का अब हम क्या करेंगे, अब हम इनफाइनाइट सेगमेंट मान लेंगे, कितने मान लेंगे, लेट देयर आर इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट देन लाइन इंटीग्रल कितना होगा, फिर इनफाइनाइट मानेंगे तो लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस का है, क्योंकि पीछे हमने क्लोज्ड वाला साइन नहीं लिया, कोई इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लगा लेना। तो ये कितना है ए डॉट डी एल वेक्टर का, अब हम जब इनफाइनाइट मानेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट के लिए, सबका ऐड हो जाएगा, सिंपल है, ए डॉट डी एल, चूंकि दो माने थे हमने लाइन सेगमेंट तो हमने दो को ऐड कर दिया, अब हम इनफाइनाइट मान रहे हैं तो सब इनफाइनाइट को ऐड कर देंगे, ए डॉट डी एल एन एन मान रहे हैं तो एन को ऐड कर देंगे, तो ए डॉट डी एल हो जाएगा हमारा प्लस का सी टू ए डॉट डी एल टू हो जाएगा डी एल वन, ऐसे ही प्लस का अब डू डैश कहां तक ले लेंगे हम, एन तक ले लेंगे, ए डॉट डी एल एन डी एल एन तक ले लिया हमने, ठीक है, ये हमने ले लिए एन टर्म्स तक। तो अब हम क्या करेंगे इनका, एन तक ले लो या इनफाइनाइट तक ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि लिखा है इनफाइनाइट है लिया एन तक है, इनफाइनाइट तक ले लो, बात एक ही है दोनों में, करना क्या है समेशन, तो हम समेशन कर देंगे आई इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन तक सीरीज जा रही है हमारी, तो आई इक्वल टू वन से आई क्या मानेंगे, आई वो राशि मानेंगे हम जो वन से लेकर एन तक इनको दर्शाएगी, इंडिकेट करेगी सेगमेंट को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा C1, और C1 की जगह कितना आ जाएगा, चूंकि C हमने कहाँ तक लिया वन से N तक, और क्या लिखा है वन से N को I, तो I आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा A डॉट डी एल आई, ये हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है, A डॉट डी एल ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया इनफाइनाइट सेगमेंट के लिए लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं इसमें ऊपर नीचे मल्टीपल किससे, हमें इसको क्या बनाना है, सरफेस इंटीग्रल बनाना है, तो सिंपल सी बात है, हम सरफेस इंटीग्रल से इसमें मल्टीपल करेंगे, और एक कारण और है सरफेस इंटीग्रल से मल्टीपल करने का, वो कारण क्या है वो आगे पता चलेगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, ए डॉट डी एल
समेशन आई इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन तक सीरीज, और ये कितना है हमारा सी आई हो जाएगा, ए डॉट डी एल भी आई हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेगमेंट के लिए आया था। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस आई, ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस आई करेंगे। एस आई अपॉन एस आई डिवाइड, और उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या बचा हमारा आई ए डॉट डी एल आई, ठीक इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक जा रहा है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल डॉट ए डॉट डी एल अपॉन एस आई, और क्या बनेगा हमारा डॉट एस आई, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया। तो अब ये हमने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो टर्म हमारा है, ये जो टर्म हमारा है, ये जो टर्म हमारा है इतना, कहाँ से चेंज होगा ये, ये जो इतना टर्म है हमारा, ये क्या बन जाता है, ये टर्म हमारा बन जाता है कर्ल ए, क्या बन जाएगा ये, कर्ल वेक्टर का ए। क्यों बन जाएगा कर्ल वेक्टर ए, क्यों बना ये कर्ल वेक्टर ए, क्योंकि कर्ल है क्या एक्चुअल में, कर्ल क्या है, हमने डायग्राम से समझा था, कर्ल एक्चुअल में है क्या, तो कर्ल जो है वो है क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको कर्ल कहते हैं। तो कर्ल में रोटेट कहाँ है, मान लो यहाँ पे हर जगह ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं इनफाइनाइट, वो रोटेट कर रहे हैं, तो ये पूरा एरिया क्या बन जाएगा, कर्ल, और पूरे एरिया में क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर कर्ल कैसे बनेगा, ये वेक्टर कर्ल बनेगा जब पूरे एरिया में फ्लो हो रहा है और सभी रोटेट का हर पॉइंट पर रोटेशन हो रहा है, हल्का हल्का रोटेट हो रहा है, कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा है, तो ये वेक्टर कर्ल बन जाएगा। अब वेक्टर कर्ल बनने के बाद क्या होगा, पूरे एरिया, यानी कि पूरे एरिया में जो रोटेशन हो रहा है किसका, ए डॉट डी एल आई, यानी कि लाइन इंटीग्रल का, इतने से सेगमेंट इनफाइनाइट सेगमेंट है, तो इनफाइनाइट रोटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट, रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट, ठीक है, और किसमें, पर यूनिट, किसमें, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या होगा, कर्ल वेक्टर ए, ये होगा रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट पर यूनिट एरिया इक्वल टू कर्व। तो ये वही चीज है, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट के लिए हमारा हो क्या जाएगा, लिमिट से लिमिट लगा देंगे हम, लिमिट ले लेंगे हम, लिमिट कितना लेंगे, जो एरिया है हमारा टेंस टू जीरो हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट जैसे जैसे हमारा होता जाएगा,
तो इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट में जो एरिया है लाइन का वो छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे इनफाइनाइट टुकड़ों में किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो वो इतनी छोटी होती जाती है कि वो जीरो की ओर बढ़ती जाती है। तो वो क्या होता है, दे टेंड्स टू जीरो, वो जीरो होने की ओर अग्रसर होती हैं। तो जीरो, ये जो एरिया है हमारा जीरो की तरफ बढ़ रहा है, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट ले लेंगे हम, एरिया जीरो की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी छोटे छोटे लाइन सेगमेंट का जो सरफेस है वो जीरो की ओर जा रहा है, और उसमें क्या आ जाएगा हमारा क्लोज्ड सरफेस ए डॉट डीएल वेक्टर का डिवाइड बाई एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ल वेक्टर का ए, ये हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि पर यूनिट एरिया अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्ल निकालेंगे तो वो पर यूनिट एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो वो कर्ल हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि उसी एरिया में वो क्या कर रहा है, कर्ल कर रहा है, यानी पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितनी ऑब्जेक्ट कर्ल किए वो क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा उसका। तो सिंपल है ये, कर्ल ये बन जाएगा। तो अब आगे क्या आ जाएगा हमारा, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल वेक्टर का लिमिट, बाउंड्री लिमिट सी थी, और ये क्या बन जाएगा हमारा, समेशन एन इक्वल टू वन आई, और ये क्या है हमारा, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल आई सी आई वेक्टर का अपॉन एस आई और डॉट एस आई, तो ये क्या बनेगा हमारा, कर्ल। और वेन फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस सिग्मा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सिग्मा चेंज इनटू इंट्रीगल, किसमें बदल जाता है, सिग्मा इंट्रीगल में बदल जाता है। तो सिग्मा इक्वल टू किसमें हो जाएगा, इंट्रीगल में बदल जाएगा सिग्मा। और कंटिन्यूअस चेंज, ये बात याद रखना, कंटिन्यू अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो सिग्मा किस में बदल जाएगा, इंटीग्रल में बदल जाएगा, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या होता है, समेशन, दोनों का ही मतलब क्या होता है, समेशन, समी होता है दोनों को मतलब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किस में, इंटीग्रल में, और किसके इंटीग्रल में आ जाएगा, सरफेस के इंटीग्रल में आ जाएगा। सरफेस के इंटीग्रल में चेंज होकर क्या बन जाएगा हमारा, कर्ल ए, कर्ल वेक्टर ए, और एस आई क्या बन जाएगा, एस आई बन जाएगा हमारा डीएस, ठीक है, क्योंकि आई के लिए ना बात करके हम डीएस के लिए बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, डॉट डीएस वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा। और इधर क्या है हमारा, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डीएल, और लिमिट कितनी है हमारी सी, ये दोनों हो गए इक्वल। यही थी हमारी क्या, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स कर्ल थ्योरम, इसी को हम क्या कहते हैं, आई होप कि पूरा का पूरा स्टोक्स कर्ल थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। लाइन सेगमेंट को इनफाइनाइट में तोड़ लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस मान लेते हैं जिसमें कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है एक साइड अपवर्ड मान लेंगे, एक साइड डाउनवर्ड मान लेंगे, ताकि हमारा जो लाइन का डायरेक्शन है उससे मैच कर जाए और हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो रिजल्टेंट है वो जीरो ना हो। और उसके बाद हम लाइन सेगमेंट का इंटीग्रल निकाल लेंगे। लाइन सेगमेंट का इंटीग्रल सिंपल है, ए डॉट डी एल वेक्टर के साथ लाइन आ जाएगा, डी एल जो बांधते हैं हम लाइन सेगमेंट, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इनफाइनाइट लाइन में तोड़ के हम उसका समेसन कर देंगे, और समेसन को सरफेस से हम क्या करेंगे, एरिया, सरफेस एरिया एस आई से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, और उसको उसको हम क्या बना लेंगे, यानी कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल पर यूनिट सरफेस है वही हमारा क्या होता है, कर्ल होता है। लाइन लाइन इंटीग्रल पर यूनिट सरफेस इज इक्वल टू कर्ल, ये है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट सरफेस इक्वल टू कर्ल,
कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, तो कर्ल वेक्टर कर्ल ए हो गया। एस आई जो है हमारा वो डीएस सेगमेंट के लिए है, तो हम डीएस ले लेंगे, और बाउंड्री लिमिट हमारी अब सरफेस हो जाएगी बाउंड्री ना होके। क्यों? क्योंकि अब जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो बाउंड्री है और ये क्या है सरफेस है, तो एक हमारा यहाँ का आएगा, यहाँ का कितना आएगा, यहाँ का ये आ जाएगा ए डॉट डी एल इक्वल टू, और सरफेस का कितना आ जाएगा, सरफेस का हमारा ये आ जाएगा कर्ल ए डॉट डी एस। सिंपल है, ये यही हमारा फाइनल जो है स्टॉक्स थ्योरम है। तो ये हमारी फाइनल स्टॉक्स थ्योरम आ जाएगी। यहीं पे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप देख रहे हैं पेपर हैकर चैनल। थैंक यू।